ये एक नेग्लेक्टेड टाइप की बीमारी है, ट्रॉपिकल एरियाज में होती है। इसे हम लोग कॉमन टर्म में एलिफेंटेसिस के नाम से भी जानते हैं। ये होती तब है जब मच्छर हमें काटता है। क्यूलेक्स नाम के मॉस्किटो होते हैं जो कि पैरासाइट, धागे के जैसे इनके पैरासाइट्स होते हैं, उसको जब हम लोगों को काटते हैं तो हमारे अंदर ब्लड में वो चले जाते हैं और वहाँ से ये लिम्फ्स को, लिम्फेटिक सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल पैरासाइट्स है उनके नाम है पाउचेरिया बैंक्राफ्टी, बी मलेई एंड बी टिमोरी, जिसमें से फर्स्ट जो है पाउचेरिया बैंक्राफ्टी इज 90% टाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिफेंटियसिस। फाइलेरिया लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लिम्फेटिक सिस्टम को इन्वॉल्व करता है जिसके कारण से शरीर में असामान्य सूजन आती है। अगर यह पाँव को इन्वॉल्व करता है तो पाँव में सूजन आ जाती है। यूजुअली होता यह है कि ये डिसीज़ हो जाती है हमें बचपन में या कम एज में, लेकिन इसके लक्षण हमें बाद में दिखाई देते हैं। बीच में कभी सूजन आना, कभी सूजन चले जाना होता रहता है और ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। कुछ पुरुषों में यह टेस्टिस को इन्वॉल्व कर सकता है जिसके कारण से हमें टेस्टिकुलर स्वेलिंग दिख सकती है। कुछ फीमेल्स में ब्रेस्ट को इन्वॉल्व कर सकता है तो ब्रेस्ट में स्वेलिंग दिख सकती है। कुछ लोगों में अपर लिम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सूजन के कारण से हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उस एरिया की ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण से बार बार बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लिम्फेटिक सिस्टम को और स्किन को होता है। इस कारण से वहाँ की स्किन का कलर जो डार्क हो जाता है और थिक हो जाती है। इसी कारण से इस डिसीज़ को एलिफेंटियसिस कहते हैं। क्योंकि ये लार्वा हमारे खून में रात के समय उपस्थित होता है, इसलिए हमें नाइट टाइम या रात के समय ब्लड सैंपल कलेक्ट करने होते हैं इस बीमारी को कन्फर्म करने के लिए। लिम्फेटिक फाइलेरियसिस का बचाव पूरी तरह संभव है अगर हमने इस बीमारी को जल्दी पकड़ लिया तो। कुछ दवाइयों से हम लोग उन पैरासाइट्स को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियसिस फैलता हमें मच्छर काटने से, इसलिए अगर हम लोग कभी भी ट्रॉपिकल डिसीज़ में जा रहे हैं तो इसका एकमात्र बचाव है कि हम मच्छरों से बचें। हम लोग नेट्स का यूज़ करें, हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करें ताकि मच्छर हमें ना काट पाए। और अगर हमें कोई भी लक्षण पाँव में या किसी भी ऑर्गन में सूजन का लग रहा है, फिर बुखार आ रहा है, तो हम लोग इसके लिए इन्वेस्टिगेट करें या टेस्ट करें।